लेकिन सलमान साहब, अब बात अब निकली है तो आपको लगता है दूर तलक जाएगी लड़ाई? अब ऐवान में नहीं रही, ऐवान से बाहर आ चुकी है। देखिए, बात तो ऐवान के अंदर की थी। हाँ, और ऐवान के अंदर उन्हें मुकाबला करना था, लेकिन पिछले एक माह से वो बजाय ऐवान के अंदर मुकाबला करने के, वो ऐवान से बाहर उन्होंने मैदान लगाया है। और मैं मुसलसल इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि वो एक बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है। ये बात मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ। और क्यों? देखिए, हमारी सियासी तारीख ये बताती है। पहले तो मुझे आज खौफ आया जब उन्होंने भी एक लेटर लहराया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी एक लेटर लेके राजा बाजार में आए थे, और जब नवाज शरीफ साहब को भी निकाला गया तो उस वक्त भी सी पैक का इशू था। और एक तरफ हम उन फोर्सेस को बता रहे हैं कि वो साजिश कर रही हैं, दूसरी तरफ मेरी मुल्की मौशियत सारी आपने उनके हाथ में रख दी है। तो लिहाजा एक घंटा उन्होंने जो तकरीर की है वो गा गे गी कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। आपका मैंडेट ये नहीं था। देखिए, आप जो लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, मैं कामरान खान साहब की बात की तायद करता हूँ। अगर आप अवाम में इतने पॉपुलर हैं तो एक बड़ा क्राइसिस ना पैदा करे। एक साल रहता है, वो तीन साल वाली गद्दार नहीं, पौने चार साल गुजर चुके हैं। पौने चार साल में आपकी कारकर्दगी क्या है? आप ये बताने की बजाय आप ये बता रहे हैं कि दुनिया यहाँ पर साजिश कर रही है। और ये भी मैं बताता चलूं, ये तारीख का हिस्सा है कि जब भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली थी उस वक्त भी एग्जैक्टली यही कहा गया था कि ये अमेरिकन पैसा पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, हम इसके मुतम्मल नहीं हो सकते। बात है कि आपको ये बात एक माह पहले पता चली कि जी पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की साजिश हो रही है। जब आपने IMF को पाकिस्तान की हर चीज़ दे दी, स्टेट बैंक आपने उनके हवाले कर दिया, आपने पाकिस्तान के CPEC के सारे मनसूबे उन्हें दिखा दिए, अब आप हमें बता रहे? हाँ, खान साहब साबित कदम रहे, हम इनके साथ होंगे। ठीक है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की बका और सलामती। देखे, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? हमें राजदरों से गरज नहीं, तेरी रापरी का सवाल है। और रापरी ये बताएं कौन को? देखिए, आपने कहा कि सरप्राइज दिया, कौन सा सरप्राइज दिया? ये बात तो वो एक माह से कह रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश हो रही है। और ये जो लेटर लहराने वाली बात है, ये जरूर बताएं ताकि ये बात खुल के सामने आए। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, ये पाकिस्तान इस तरह के हालात का मुतबल नहीं हो सकता। आप बहुत पॉपुलर है तो आए वापस आ जाए, आवाम के अंदर अवाम फैसला कर देंगे। ठीक है, लोग जानते हैं, अभी आवाम ने फैसला करना, लेकिन इस वक्त फैसला इत्तेहादियों की जानिब से भी किया जाना है।